नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बिशुनपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के 10 आरोपी को बिशुनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बिशुनपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 13 तारीख को सुबह बिशुनपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि बिशुनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते बिशुनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर थाना क्षेत्र के गांव से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिशुनपुर थाना अंतर्गत सुतुर गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है, जिस पर थाना प्रभारी तुरंत इसके वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया और उस पर टीम गठन किया गया। इस गठन टीम में थाना प्रभारी बिशुनपुर सरानंद सिंह और सब इंस्पेक्टर अंकू कुमार, सब इंस्पेक्टर विवेकानंद कुमार दुबे और विवेक कुमार घनश्याम एवं गुजरी थाना के गुजरी थाना प्रभारी कुंदन कुमार को सदस्य बल के साथ टीम गठन किया गया एवं सभी लोग तुरंत जाकर गांव पहुंचे। वहां पर पीड़िता से पूछताछ की। पीड़िता द्वारा बताया गया कि वो बीते रात्रि 12 तारीख को अपने गांव में के में दो शादी में अटेंड करके रात के करीब 11:30 बजे अपने सहेली एवं गांव के चाचा के साथ घर लौट रही थी कि वो गांव के किनारे तालाब पर जब पहुंची तो गांव के 10 लड़के उसको घेर लिया और उसके चाचा के साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसकी सहेली और चाचा डर कर भाग गया। सभी लड़के उस पीड़िता को गांव के किनारे टेकरी पर ले जाकर पहले दो लड़के सामूहिक बलात्कार किए, उसके बाद गांव के टेकरी के सटे पूरब अरहर खेत में दोबारा ले जाकर सभी लोग बारी बारी सामूहिक दुष्कर्म किए और सभी लड़के भाग गए और कुछ लड़के लड़की को स्कूल तक छोड़ दिया। लड़की किसी घर पहुंची और इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 बालिग है और 7 निरुद्ध बालक हैं और लड़की का आगे कार्रवाई किया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।